नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के निष्कासन पर कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश को बैंक करप्ट करना चाहती है और वह आज खुद बैंक करप्ट हो चुकी है। सिंधिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की ना कोई सोच बची है और ना ही कोई विचारधारा या फिर कोई भी नीति। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी ही सोच लेकर आगे चल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन पर सिंधिया बोले कि जो पार्टी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी उसे पूरे देश की जनता तीसरी बार भी नकारेगी। जिस तरह से पिछले 10 सालों से कांग्रेस को जनता नकार रही है, सिंधिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के झाबुआ में आगमन प्रदेश को कई ऊंचाइयां देने वाला है। उन्होंने आदिवासी भाइयों के खालों में 1500 रुपए की सीधी रकम डाली है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि वह ना तो खाएंगे और ना ही किसी को खाने देंगे। उन्होंने कहा कि इसी के तर्ज पर पीएम मोदी ने बिचौलियों की भूमिका ही खत्म कर दी है। सिंधिया ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,500 करोड़ की सौगात दी है और इससे प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेसी खेमे में सेंध लगा दी है और इस बार उन्होंने अशोकनगर जिले के यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजय राज सिंह यादव और उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रानी पाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस से दोबारा बीजेपी में आए अजय राज सिंह यादव गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव के भाई हैं। अब वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया में आस्था जता रहे हैं।